हिंडाल्को ग्रामीण विकास विभाग एवं हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में राज मिस्त्री का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 10 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिन्हें पूर्व प्रशिक्षकों की भारतीय नियमानुसार कंपनी में समायोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि बुधवार को हिंडाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मेसन राज मिस्त्री प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 13 प्रशिक्षकों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोनभद्र के SP IPS डॉक्टर यशवीर सिंह, हिंडाल्को के मुखिया N नागेश ने प्रमाण पत्र के साथ टूल किट भी प्रदान की, साथ ही उन्हें बधाई दी, उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। इस मौके पर SP यशवीर सिंह ने प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, आज के दौर में पढ़ाई के साथ स्किल का होना जरूरी है। स्किल वो धन है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। किसी भी एक स्किल में पारंगत होने पर आपके लिए अवसरों की भरमार हो जाती है, एक ही संस्थान तक सीमित नहीं रहना पड़ता। श्री नागेश ने कहा, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नवयुवकों को स्वावलंबी बनाना है एवं आसपास के बेरोजगार जरूरतमंद नवयुवकों को रोजगार प्रशिक्षण देकर उन्हें आजीविका से जोड़ने का प्रयास करना, जिसमें हिंडाल्को हमेशा तत्पर रहता है। वह हिंडाल्को CSR के प्रमुख अभिजीत कुमार ने कहा, आगे भी बाजार की जरूरतों के मुताबिक नवयुवकों को प्लम्बर, फिटर, बढ़ई स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, इस बैच के समाप्त होने के बाद अब कारपेंटर बढ़ई गिरी प्रशिक्षण हेतु भी नया बैच शुरू किया जाएगा, जिसमें आज के दिन तक 16 रजिस्ट्रेशन हो चुके। जल्द ही लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। इस मौके पर हिंडाल्को प्रोजेक्ट विभाग के प्रमुख विनोद ठाकुर, पब्लिसिटी विभाग के यशवंत कुमार, सुरक्षा विभाग के प्रमुख कर्नल सेनानिवृत्त संदीप खन्ना, हिंडाल्को ट्रेनिंग सेंटर के प्रमुख हेमराज व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके पश्चात SP यशवीर सिंह ने हिंडाल्को कॉलोनी गेट पर सड़क जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में 300 से ज्यादा बाइक सवारों ने हिस्सा लिया, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। हिंडाल्को के उच्च अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा माह 2023 लिखी तख्ती के साथ आकाश में गुब्बारे छोड़ सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। तत्पश्चात SP ने कॉलोनी में लगी सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। हिंडाल्को के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। सोनभद्र से दीपक सिंह की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। सर, रोड सेफ्टी के लिए आज ये बाइक रैली निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पे आप? देखिए, फिर से हम लोग रेणुकूट में आए हैं और यहाँ पर रोड सेफ्टी के संबंध में रेणुकूट पिपरी में जिम्मेदारी हिंडाल्को फैक्ट्री को पुलिस और प्रशासन की तरफ से दी गई है और हिंडाल्को फैक्ट्री के CEO मेरे साथ मौजूद हैं, श्री नागेश जी, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। ये लोग बहुत बखूबी इनको जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन कर रहे हैं। इनके द्वारा पिछले दिनों भी बहुत अच्छी बाइक रैली पूरे शहर में निकाली गई थी, जिसमें ट्रैफिक के रूल्स के बारे में, डूज एंड डोंट्स के बारे में पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार किया गया था। उसी के क्रम में आज हिंडाल्को के अंदर के परिसर में यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी और ट्रैफिक के संबंध में नए कानून जो भी आए हैं या क्या हमें करना है बाइक पे बैठते हुए या कार में चलते हुए, क्या सावधानियाँ रखनी हैं, क्या कार्य नहीं करने हैं, उन सब के बारे में पूरी कॉलोनी में प्रचार प्रसार करके जो हमारे नई उम्र के लड़के हैं उन लोगों को जागरूक किया जाएगा। थैंक यू सर।